नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। मेरा नाम है नितिन और आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है यह टॉपिक जिसे हम कहते हैं सिलोगिज्म्स। हिंदी में इसे हम कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, न्याय निगमन बहुत ही दोस्तों इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि सरल टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दो से तीन प्रश्न आने ही आने हैं इसमें। दो से तीन प्रश्न के बहुत ज्यादा मायने होते हैं। अगर मैं बात करूं बीते साल के सी सेट की, यानी 2022 के सी सेट की, तो वहां पे तीन क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, उससे पहले 2021 और 20 में भी दो दो क्वेश्चन आए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और इजी है, तो स्कोरिंग भी आसानी से हम कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये टॉपिक में हम क्या बातें करते हैं, कैसे हम आंकलन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस टॉपिक के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ कथन दिए रहेंगे, मान लीजिए दो या तीन कथन दिए रहेंगे। कथनों का मतलब इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं स्टेटमेंट, यानी कि कुछ बात हमारे सामने रखी जाएगी। अब उस बात को समझकर हमें एक निष्कर्ष पर आना है। निष्कर्ष का मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी साफ बात यह बनती है कि आपको पहले तो कथनों को पढ़ना है, कथनों को समझना है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है। ठीक है, इसका आंकलन करना है और फिर हमें चयन करना है कि कौन सा इसमें से निष्कर्ष बन करके आता है। ठीक है, कौन सा इसमें से निष्कर्ष बन करके आता है। ठीक है, और फिर वो सही निष्कर्ष को हमें चुनना है। ये बड़ी सीधी साफ बात है। ठीक है, इसमें आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ दोस्तों। देखिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है पहली बात, और आप जानते हैं दो तीन क्वेश्चन आएंगे तो इम्पोर्टेंट भी। अगर आपको इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं गुरुवार को जब हम मिलते हैं ये रीजनिंग ब्रह्मास्त्र सीरीज में, तो हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक स्पेसिफिक, उस पे ज्यादा चर्चा करते हैं। वनस्पति की बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हमारी कोशिश ये जरूर रहेगी कि जब भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे करें कि आप सभी समझ पाए, अगर कोई पहली दूसरी बार भी ये टॉपिक पढ़ रहा है तो भी। ठीक है, परंतु अगर आपको लगे कि नहीं सर क्वेश्चन छोड़ के बहुत सारे उदाहरणों के साथ आप एक्सप्लेन करिए तो ये टॉपिक को मैं वापस एक्सप्लेन करने में भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप जरूर उसे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए आइए। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे कुछ जानकारी देना चाहूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज होगी ही होगी या होगा ही होगा, ये एक अलग बात हो जाती, यानी कि ये वो बात हो जाती है जहां पे आप 100% गारंटी ले सकते हैं, 100% आप श्योर है। पर जिंदगी में क्या आप 100% श्योर ही रहेंगे हर बात की? आप गारंटी ले सकते हैं क्या? खुद से सोच के देखिए। ठीक है, मुश्किल है। कभी ऐसी भी चीज आएगी जब आप असमंजस में होंगे, जब आपको पता नहीं है ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उदाहरण के तौर पर हो सकता है, यानी कि यहां आप गारंटी नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप खुद असमंजस में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे आप संभावनाओं पे गेम खेलते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी पे गेम खेलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं। मैं अगर आपसे कहूं क्या कल सूरज निकलेगा, क्या कल सूरज निकलेगा यानी कि कल क्या सनराइज होगा, तो आप बोलेंगे सर 100%, ये कैसी बात, इस बात की तो गारंटी है हर सुबह उगता है कल भी उगेगा, तो इसके लिए तो आप बोलेंगे हाँ ये तो होगा ही होगा, 100% गारंटी है इस चीज, बराबर है। तो इसके लिए आप 100% गारंटी लेके बोल सकते हैं सूरज तो उदय होगा ही होगा। अब मैं अगर आपसे ये बात पूछ लूं कि क्या कल बारिश होगी, तो आप क्या बोलेंगे? आप गारंटी लेके नहीं बोल सकते कि कल बारिश होगी ही होगी, है ना, क्योंकि या तो बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। अब आप असमंजस में, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कल बारिश हो सकती है। क्या कहेंगे? कल बारिश हो सकती है। ठीक है, अब आपकी बात में वो वजन नहीं रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास गारंटी है कि कल बारिश हो, आप बस ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि कल बारिश हो सकती है। तो आपको समझना है दो चीजों के बीच में, होगा ही होगा मतलब 100% जब आप श्योर हैं, गारंटी ले सकते हैं कि ये होने ही वाला, और जब आप असमंजस में तब आप थोड़ा बोलते हैं कि यार संभावना जो है वो देख लो आप। बात क्लियर है? अब आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़े से कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए येलो ही रहे।
जैसे कुछ दो कथन दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ऑल ए आर बी सम बी आर सी, ठीक है, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। तो देखिए, जब ऑल ए आर बी लिखा है, इसका अर्थ क्या है? जो ए है वो पूरी तरीके से बी के अंदर है, सभी ए बी, ठीक है। तो जो ए है, ये मान लीजिए ए, ये बी के पूरी तरीके से अंदर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तभी तो आप कहेंगे देखो ये पूरा ए, ऑल ए आर बी। अब अगर दूसरे कथन को बनाए, सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो यहां पे देखिए संभावनाएं कैसी होंगी। कुछ बी सी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सी ऐसे निकल ले, तो भी हम बोलेंगे देखो कुछ तो बी है यहां, जहां पे अभी मेरी पेन चल रही है, कुछ तो बी है जो सी के साथ। ऐसा भी हो सकता है, मान के चलिए दूसरी एक संभावना, ए तो बी के अंदर था ही था, पर शायद सी का ए के साथ भी संबंध हो। यहां पे हमें सी का ए से साथ संबंध नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी चर्चा नहीं करी गई है। बी की सी के साथ संबंध दिखा रहे जा रहा है, क्योंकि बी और सी की चर्चा करी गई। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ए का सी के साथ संबंध है या नहीं है? हो भी सकता है, जैसे यहां पे अगर मैं देखूं तो हो भी सकता है, और यहां पे नहीं भी दिख रहा है, तो दोनों ही संभावनाएं हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर क्या आप गारंटी ले सकते हैं क्या कि सी का ए के साथ कोई संबंध होगा? गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये वाली चीज बनेगी तो सी का ए के साथ संबंध ही नहीं है, पर अगर ये वाली चीज बनती है तो सी का ए के साथ संबंध, यानी कि संभावना है कि संबंध हो सकता है, पर 100% गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा। ये छोटी बातें अगर आपको समझने आएगी तो ये टॉपिक बहुत आसान है। तो अभी मैं, क्योंकि समय के बाद हूँ, क्वेश्चंस भी कराने, तो मैं बहुत ज्यादा अभी आपको उदाहरण लेके नहीं समझा पाऊंगा, क्वेश्चंस में समझाने की कोशिश करूंगा, परंतु अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए रहेगा आप जरूर कमेंट करिएगा इस सेशन को देखने के बाद। तो अगर यहाँ पे हमसे निष्कर्ष पूछा गया कि सम सी आर ए, कि बताओ कुछ सी ए होंगे ही होंगे क्या, तो आप बोलेंगे यार यहां तो नहीं दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं, तो गारंटी मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मैं नहीं ये कहूंगा। पर जैसे ही आप दूसरा निष्कर्ष यानी कि दूसरे कंक्लूजन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि सम सी बींग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ सी ए हो सकते हैं, इस बात की संभावना है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ संभावना तो है। ये आपसे बड़े विनम्र तरीके से बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं हाँ संभावना तो है, तो आप इसको मान्यता देंगे, ठीक है। पर अगर आपसे कोई बोलेगा कि तू मान ही मान कि सी और ए का संबंध है, तो आप कैसे मानोगे जब आप गारंटी ले ही नहीं सकते, यहां संबंध नहीं था यहां संबंध, ठीक है। तो आपको ये बातों को समझना है कि कौन सी चीज 100% होगी और कौन सी चीज की संभावना है, बस बात इतनी सी, ठीक है। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, ठीक। पहले पहले आपको 2020 के क्वेश्चन करा दूंगा, आइए देखिए। पहले इसको आपको पढ़ना है, फिर आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, पॉज करके वीडियो को, और जो अगर हमसे बन जाता है आंसर क्रॉस चेक करेंगे आगे वीडियो में देख के, या फिर वीडियो की एक्सप्लेनेशन सुनते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको कथन दिए हुए हैं, ऑल प्राइजेस आर मेडल्स, और दूसरा कथन ये दिया हुआ है सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट्स। ऑल प्राइजेस आर मेडल्स, सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट्स। आप देखिए प्राइजेस, मेडल्स, प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स। आइए देखिए, ऑल प्राइजेस आर मेडल्स, इसको हम कैसे बनाएंगे? ऑल प्राइजेस आर मेडल्स, ये प्राइजेस बन गए, ये पूरी तरीके से मेडल के अंदर आ गए, ऑल प्राइजेस आर मेडल्स, ठीक। सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट्स, तो देखिए सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है, सर्टिफिकेट चाहे तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, और चाहे तो ऐसा भी तो बन सकता है कि प्राइजेस मेडल्स के अंदर आ गए पूरी तरीके से, और जो सर्टिफिकेट है ऐसे कुछ है। अभी भी आप कहेंगे कि देखो कुछ प्राइजेस तो सर्टिफिकेट है ही है, और यहां पे भी आप कहेंगे देखिए कुछ प्राइजेस अभी भी, यानी कि प्राइस और सर्टिफिकेट के बीच में कुछ तो अभी भी है ही, क्लियर है। तो ये दोनों ही संभावनाएं बन सकती हैं। अब आइए हम देखते हैं दोनों कथनों को पढ़ने के बाद, अगर हमारी ड्राइंग कुछ इस तरीके से बन रही है तो क्या कौन सा कंक्लूजन सही लग रहा है, किस चीज की संभावना। सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस, सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस, तो अगर पहली ड्राइंग को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ कुछ सर्टिफिकेट्स तो प्राइजेस हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स तो प्राइजेस हैं, ये वाली चीज सही है। सम मेडल्स आर प्राइजेस, सम मेडल्स आर प्राइजेस, तो आप देखिए इतने बड़े मेडल में कुछ हिस्सा तो मेडल का है ना जो प्राइज है, इतने बड़े मेडल में कुछ हिस्सा तो है ना प्राइज है, यानी कि इस पूरे बड़े इंडिया में कुछ हिस्सा तो इंडिया का है ना जो छत्तीसगढ़ है, आप ऐसा बोल सकते हैं।
तो इतने बड़े मेडल में कुछ हिस्सा तो है जो प्राइस का है, तो ये भी बात है, सही है, सम मेडल्स आर प्राइजेस। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इतने बड़े मेडल में कुछ हिस्सा तो प्राइस में है। तीसरे वाले को देखो, सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल, ये भी बात बहुत ही सही है, यानी कि अगर भी आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट का कुछ हिस्सा मेडल के अंदर है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है, ये देखिए सर्टिफिकेट का कुछ हिस्सा मेडल के अंदर है क्या। हाँ, दूसरी वाली ड्रॉइंग में भी देखेंगे तो सर्टिफिकेट का देखिए कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे जो है ये मेडल के साथ है, तो ये भी बात सही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके तीनों निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन 1, 2, 3 तीनों ही सही दिख रहे, ऑप्शन नंबर ए का आप चयन करेंगे, तीनों ही निष्कर्ष यहाँ पे सही थे, तीनों ही निष्कर्ष यहाँ पे सही थे, ठीक है। तो अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल इस वीडियो को वापस भी देख सकते हैं, धीरे धीरे करके देख सकते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। आइए और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये भी 2020 का प्रश्न है, ये भी आपका 2020 का ही प्रश्न था। आइए देखिए, कथन फिर से क्या क्या लिखे हैं उसको एक बार पढ़ते हैं। ऑल डॉग्स आर लायंस, ठीक है, ऑल डॉग्स आर लायंस, तो आप कैसे बनाएंगे, ये डॉग्स बन गए, ये पूरी तरीके से लायंस के अंदर आ गए, ऑल डॉग्स आर लायंस। नो एलिफेंट इज अ लायन, यानी कि कोई भी एलिफेंट लायन नहीं है, तो लायन से दूर दूर तक कोई एलिफेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ऐसा बनेगा तो कुछ तो एलिफेंट होंगे ना जो लायन है, तो वो हमारे लिए गलत है, जो कथन दिया है हमें उसे ड्रॉ करना है, तो ये तो बन ही नहीं सकता है ना, ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी एलिफेंट लायन नहीं है, तो एलिफेंट यहां कहीं पे भी नहीं है, एलिफेंट यहां कहीं बेचारा दूर जरूर हो सकता है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आएगा कि सर एलिफेंट डॉग भी तो हो सकते हैं, तो दोस्तों आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, अगर ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए एलिफेंट, तो अगर कुछ एलिफेंट डॉग है, तो ये जो डॉग लायन के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ एलिफेंट लायन के अंदर भी तो आ जा रहे हैं, क्योंकि डॉग तो पूरी तरीके से लायन के अंदर है, ठीक है। अब कुछ एलिफेंट अगर डॉग के साथ मिलेगा, तो एलिफेंट का कुछ हिस्सा तो देखिए लायन के अंदर है ही है ना, और वो चीज फिर वापस गलत हो जाएगी, तो जो कथन दिया है हमें उसे सत्य मान के ही हर चीज को आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आपको धीरे धीरे समझने आने लगी, तो कुछ यहाँ डॉग्स बन गए, यहाँ लायन बन गए, कुछ यहाँ पे एलिफेंट बन गए। आइए, ये आपने कथनों को बना लिया, अब हम देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है। नो डॉग इज एन एलिफेंट, यानी कि कोई भी डॉग एलिफेंट नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है, तो हम देखते हैं, हाँ हमें भी दिख रहा है कि कोई भी डॉग, जितने भी डॉग है वो यहीं पे, वो एलिफेंट नहीं है, वो एलिफेंट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही बात ये कह रहा है, इसका आप 100% गारंटी ले सकते हैं कि डॉग जितने यहाँ पे और उनका एलिफेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं। नो लायन इज अ डॉग, देखिए इतने बड़े लायन के उसमें कुछ हिस्सा तो लायन का है ना जो डॉग है ही है, तो ये वाला कथन गलत हो गया, ये वाला कथन गलत हो गया, ठीक है, यानी कि सम लायंस आर डॉग्स ये सही होता, परंतु नो लायन इज अ डॉग ये गलत है, क्योंकि दिख रहा है कि लायन के अंदर डॉग है, यानी कि लायन का कुछ हिस्सा तो डॉग है ही, तो ये सेकंड वाला गलत है। सम एलिफेंट्स आर डॉग्स, जब एलिफेंट लायन ही नहीं है, लायन से इतना दूर दूर है, डॉग से इतना दूर दूर है, तो हम कैसे बोलेंगे कि सम एलिफेंट्स आर डॉग, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर भी यह बात लिखी है कि कोई भी डॉग एलिफेंट नहीं है, तो फिर हम नीचे आके अपनी बात कैसे झुटला देंगे कि सम एलिफेंट्स आर डॉग, हमें दिख भी रहा है एलिफेंट पूरे यहाँ पे है, डॉग्स यहाँ पे, इनके बीच में कोई संबंध है ही नहीं, तो ये भी कथन गलत हो गया, ये भी माफ करिएगा निष्कर्ष गलत हो, तो सिर्फ पहला निष्कर्ष सही है, यानी कि आप किसको चुनेंगे, ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ठीक है। मैं आशा करता हूँ धीरे धीरे करके आपको ये सारी बातें समझने आ रही है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। आइए और क्वेश्चन करते हैं, अब ये 2022 का आपका कट टू क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2021 के भी मैं आपको कराऊंगा, परंतु 2022 के भी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ पे अगर खूबसूरत चीज आप देखेंगे तो तीन कथन दिए, तो तीन कथनों को देख के डर नहीं जाना है, जैसे दो कथनों को आराम आराम से हम बना रहे थे, तीन को भी हम बना लेंगे, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। आइए पढ़ के देखते हैं, सम बाइक्स आर कार्स, यानी कि कुछ बाइक्स कार हैं, तो ये मान लीजिए बाइक्स हैं, कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो कार्स हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ बाइक्स हैं जो कार्स हैं, ठीक।
सम कार्स आर बसेस, यहां पे ध्यान दीजिए, सम कार्स आर बसेस। अब कार्स का बसेस के साथ तो हिसाब किताब दिया है, ठीक है, कार्स का बसेस के साथ हिसाब किताब दिया है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि बस का सिर्फ कार के साथ ही लेन देन है कि बाइक के साथ भी है? तो आप देखिए दो चित्र बनेंगे यहां, बसेस ऐसे भी हो सकती थी, ठीक है, और चाहे तो एक चित्र आपका कुछ इस तरीके में बन सकता है कि ये बाइक्स, कार्स और बसेस शायद ऐसी कुछ आ जाती, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो कुछ कार तो ऐसी हैं जो बसेस हैं, ठीक है। तो एक ड्राइंग ये दिखाना चाह रही है कि बसेस का ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कार से ही संबंध हो, एक ड्राइंग ऐसी दिखा रही है कि बस का ऐसा भी हो सकता है कि बाइक के साथ भी संबंध हो सकता है, हमें नहीं मालूम, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब देखिए तीसरी चीज क्या है, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ऑल कार्स आर व्हीकल, यानी कि ये जो पूरी कार्स है ये व्हीकल के अंदर आएंगे, तो व्हीकल के अंदर पूरी तरीके से ये आएंगे ऐसा। बात स्पष्ट है, यहां अगर बनाएंगे तो देखिए ये पूरी जो कार्स है ये पूरी व्हीकल के अंदर, ये व्हीकल होगी, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए दो ड्राइंग होंगे। ये मैं आप लोगों को समझ आते जाए इसीलिए मैं ये दो ड्राइंग बना रहा हूं, हम जब क्लासरूम में ये करते हैं तो एक ही ड्राइंग में पूरा बना लेते हैं, ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको बेहतर विकल्प में समझने आएंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, अगर दो ड्राइंग बनती है, हमसे पूछा गया कौन सा निष्कर्ष सही है, तो सम व्हीकल्स आर बाइक्स, क्या ये निष्कर्ष सही है? आइए चेक करिए, अगर पहली ड्राइंग से हम पूछ के देखते हैं कि क्या कुछ व्हीकल्स ऐसी हो सकती हैं जो बाइक्स होंगी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, देखिए सम व्हीकल्स आर बाइक्स, ये वाला जितना हिस्सा है व्हीकल्स का जहां पे अभी मेरा कर्सर चल रहा है ये वाला, ये तो बिल्कुल सम व्हीकल्स आर बाइक्स तो सही है। आप इधर भी देखेंगे तब भी आपको दिखेगा कि सम व्हीकल्स आर बाइक्स है क्या, देखिए सम व्हीकल्स आर बाइक्स है क्या, हाँ जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है, ये वाली बात स्पष्ट। सम बसेस आर व्हीकल्स, ये भी बात सही होगी, क्योंकि कुछ बसेस अगर कार्स थी और सारी कार व्हीकल थी तो कुछ बसेस व्हीकल जरूर होगी। अगर आप पहली ड्राइंग से पूछेंगे तो देखिए ये वैसी बसेस हैं जो व्हीकल है, यहां पे भी अगर आप पूछेंगे तो देखिए ये वैसी बसेस हैं जो व्हीकल है, बसेस में भी है ये व्हीकल में भी है, तो ये बात भी स्पष्ट। सम व्हीकल्स आर कार्स, बिल्कुल, आप देखिए व्हीकल्स इतनी बड़ी है, ठीक है, उसके अंदर कार एक हिस्सा तो है, यानी कि पूरे इंडिया में, इंडिया का कुछ हिस्सा तो छत्तीसगढ़ है, तो पूरे बड़े व्हीकल्स में कुछ हिस्सा तो कार्स है, पूरे बड़े व्हीकल्स में कुछ हिस्सा तो कार्स है, तो ये भी बात स्पष्ट है। तो तीनों ही कंक्लूजन 1, 2, 3 तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी का आपको चयन करना पड़ेगा, तीनों ही कंक्लूजन यहां पे सही दिखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके इनको चयन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी भी ड्राइंग बनाइए, ठीक है। माफ करिएगा मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर कोशिश करूंगा जितना अपने शब्दों से समझा सकूं आपको बताने की कोशिश पूरी पूरी रहेगी, ठीक है। अब देखिए फिर से कथन दिए, कितने कथन दिए, डरना नहीं है, कभी भी डरेंगे तो हम आगे जिंदगी बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो डरना सबसे आखिरी चीज होती है, कभी नहीं डरना, ठीक है, आराम आराम से पढ़िए, कोई आपका पेपर नहीं छूट रहा, कुछ नहीं हो रहा, जितनी चीज आएगी उसको हम बिल्कुल करके आएंगे और एकदम डर अपने मन से निकाल लीजिए, ठीक है, चलिए नहीं आएगा सीख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई जान थोड़ी ले रहा है अपनी, है ना, पर डरना नहीं है। चलिए आइए कथन देखिए, क्या क्या लिखे, सम शर्ट्स आर पैंट्स, तो देखिए कुछ शर्ट्स हैं जो पैंट्स हैं, ये शर्ट्स बन गई, ये पैंट्स बन गई, कुछ शर्ट्स है जो पैंट्स, सम पैंट्स आर जीन्स, अब देखो फिर से वही बात, पैंट्स का जीन्स के साथ संबंध है, तो जीन्स ऐसी भी बन सकती थी, चाहे तो जीन्स यहां पे भी बन सकती थी कि शर्ट के साथ भी कुछ संबंध बना लिया जाए, यानी कि मेरे बोलने का मतलब ऐसा कुछ, यानी कि ये शर्ट्स थी, कुछ शर्ट्स पैंट्स तो थी ही थी, अब अगर हम पैंट्स को जीन्स के साथ बना रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जीन्स जो बने उनका शर्ट्स के साथ भी कुछ संबंध हो भी सकता है अगर यहां पे देखेंगे, और नहीं भी हो सकता है, दूर दूर भी हो सकते हैं, तो दोनों ही यहां पे संभावनाएं हैं, तो दो हमने पढ़ लिए। तीसरा देखिए, ऑल जीन्स आर गारमेंट्स, यानी कि ये जितनी भी जीन्स हैं ये सब गारमेंट्स के अंदर आएंगे, यहां से आप ऐसा भी बना सकते हैं, और अगर यहां बनाएंगे तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, यानी कि जीन्स को पूरी तरीके से गारमेंट के अंदर डाल देना, जीन्स को पूरी तरीके से गारमेंट के अंदर डाल देना,
अब हमने कथनों को बना लिया है, हमारी ड्राइंग बन गई है, अब हम कंक्लूजन को देखें, यानी कि निष्कर्षों को देखेंगे। तो आपको क्या लिखा हुआ है, सम गारमेंट्स आर शर्ट्स, क्या ये सही है? सम गारमेंट्स आर शर्ट्स, बिल्कुल सही है। देखिए नहीं, यहां पे हम गलत बोल रहे हैं। देखिए, अगर गारमेंट्स का हिस्सा शर्ट से टकराए ही ना, यानी कि ये कभी मिले ही नहीं, दूर दूर रह जाए, तो हम बोल ही नहीं सकते कि हाँ भाई कुछ गारमेंट शर्ट होगी ही होगी, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाली ड्राइंग तो हमें नहीं बता रही। ये वाली ड्राइंग बेचारी बोल रही है कि हाँ देखो गारमेंट जो है, कुछ गारमेंट जो है, यानी कि ये वाले देखिए कुछ गारमेंट जो है वो शर्ट है, ये बोल रहा है, पर ये नहीं बोल रहा। तो एक चीज आपको हाँ बोल रही है, एक चीज आपको ना बोल रही है, यानी कि आप असमंजस में है, धर्म संकट में, आप 100% गारंटी नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम बोलेंगे भाई तू सही नहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, गारमेंट शर्ट्स होगी ही होगी, तो हम इसका कैसे हाँ बोलेंगे, क्योंकि कोई ड्रॉइंग बोल रही है नहीं होगी और कोई ड्रॉइंग बोल रही है होगी, यहाँ हम असमंजस में, हम 100% गारंटी नहीं ले सकते। ठीक, दूसरी चीज को देखिए, सम गारमेंट्स आर जीन्स, ये बात सही है, यानी कि इतने बड़े गारमेंट में कुछ हिस्सा तो गारमेंट का जीन्स है ही है। देखिए ये बात, इतने बड़े गारमेंट में कुछ हिस्सा जीन्स है ही, यानी कि इतने बड़े इंडिया में कुछ हिस्सा तो छत्तीसगढ़ है ही, और यहाँ पे भी वही चीज लागू होगी, इतने बड़े गारमेंट में कुछ हिस्सा तो जीन्स है ही, तो ये वाला निष्कर्ष सही है। सम जीन्स आर पेंट्स, ये भी सही है, क्योंकि आप देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, सम पेंट्स आर जीन्स, तो सम जीन्स आर पेंट्स भी सही है। ठीक है, कुछ पेंट्स अगर जीन्स थे, ये वाले मान लीजिए, तो यही कुछ जीन्स पेंट्स भी तो है, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो सम बी आर ए भी तो होगा, आप अभी यहां से देख रहे थे ए के नजरिए से, तो आपने देखा हाँ कुछ ए तो है जो बी है, अब आप बी के नजरिए से देखिए तो वो भी बोलेगा ना हाँ देखिए सम बी आर ए, तो यहाँ पे भी वही वाली बात कि सम पैंट्स आर जीन्स, तो सम जीन्स आर पैंट्स। आप यहाँ ड्राइंग भी देख सकते हैं कि कुछ जीन्स तो ऐसी हैं जो पैंट्स के अंदर है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ जीन्स ये वाली ऐसी जीन्स है जो पैंट्स के अंदर, तो ये भी बात सही, यानी कि टू और थ्री सही है, वन गलत है। तो टू और थ्री देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन टू एंड थ्री आर सही फॉलोस, वन गलत है। तो गलती से भी वन को ना चुन लें हम, या ऐसे किसी ऑप्शन को ना चुने जहां पे वन को भी सही बताया गया। तो धीरे धीरे करके मैं मान के चल रहा हूं ये वाली सारी बातें आपको समझने अब आ रही है। ठीक है, आइए अब एक आध और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है, इसे भी देखिए। ठीक है, फिर से कितने कथन दिए हुए, तीन कथन दिए हुए, और अब घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके भले बनाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। ऑल सिटीज आर डिस्ट्रिक्ट, वैसे डिस्ट्रिक्ट जो होंगे सिटी के अंदर लगेंगे, पर यहाँ पे क्या लिखा गया, ऑल सिटीज आर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे क्या हमें बनाना पड़ेगा कि ये जो पूरी सिटीज है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही है। ठीक है, बिना सर पैर की बातें लिखी रहती है, पर जब हम इसको बना रहे हैं हमें मान के बनाना पड़ता है कि ऑल सिटीज, ये पूरी सिटीज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक बात है, ठीक बात। नो सिटी इज स्टेट, नो सिटी इज स्टेट, यानी कि सिटी का एक बिंदु भी स्टेट में नहीं है, सिटी का एक बिंदु भी स्टेट में नहीं है। तो देखिए स्टेट यहां पे भी बन सकता था अलग से, तो भी आप बोलेंगे देखिए सिटी अलग है स्टेट अलग है, कोई भी हिस्सा सिटी का स्टेट में नहीं, स्टेट ऐसा भी तो बन सकता था दोस्तों, है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करिए, ऐसा इसीलिए बन सकता था, अभी हम आगे नहीं पढ़े तो अभी जितना समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि स्टेट यहां पे भी बन सकता है, तो सिटी और स्टेट का कोई लेन देन नहीं है, परंतु सिर्फ सिटी और स्टेट का लेन देन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के साथ तो स्टेट का लेन देन हो ही सकता था। ठीक है, तो अभी दोनों ही संभावनाएं हैं, स्टेट यहां पे भी बन सकता है अभी भी सिटी से वो दूर है, स्टेट यहां पे भी बन सकता है अभी भी वो सिटी से दूर। अब देखिए आगे तीसरी चीज क्या लिखी, ओनली कंट्री इज स्टेट, ओनली कंट्री इज स्टेट, ओनली कंट्री इज स्टेट, इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ कंट्री के पास हक है कि वो स्टेट हो सकता है, सिर्फ कंट्री के पास वो हक है कि वो स्टेट हो सकता है। तो जब सिर्फ कंट्री के पास वो हक है कि वो स्टेट हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट तो स्टेट हो ही नहीं सकता, है ना, डिस्ट्रिक्ट तो स्टेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मेरी ये सहेली सिर्फ मेरी है तो दूसरी कैसी होगी, है ना। तो सिर्फ कंट्री के पास हक है कि स्टेट उसके पास रहे, तो डिस्ट्रिक्ट के पास स्टेट नहीं हो सकता। तो ये जो हम बना रहे थे ये वाली चीज गलत, इस संभावना को आप खारिज कर दीजिए,
यानी कि कंट्री के पास ही सिर्फ हक है कि वो स्टेट हो सके। ये सिटी थी, ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सिटी आ गई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कंट्री के पास ही सिर्फ हक है कि वो स्टेट हो सकता है। इसमें अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसी भी बात को मानेंगे कि ये भी ड्राइंग बन सकती है। चेक करिए, ये सिटी हो, ये ऊपर एक पूरी ड्राइंग हो गई, ये एक संभावना है, दूसरी ये हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और स्टेट। अभी भी देखिए, पहली ड्राइंग को समझाता हूं, सारी सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गई, ठीक है। सिटी का कोई हिस्सा स्टेट में नहीं है, नहीं, स्टेट होने का हक सिर्फ कंट्री के पास है, तो कंट्री के पास ही हक है कि वो स्टेट हो सकता है, तो कंट्री के अंदर ही सिर्फ स्टेट आ सकता है, स्टेट जाके डिस्ट्रिक्ट में नहीं भिड़ जाएगा। तो एक ड्रॉइंग तो हमारी ये बन सकती थी, पर यहां पे हम ये कैसे गारंटी लें कि कंट्री का डिस्ट्रिक्ट के साथ लेन देन है या नहीं, ठीक है, कंट्री का डिस्ट्रिक्ट के साथ लेन देन है या नहीं, हमें नहीं मालूम। तो ऐसा भी हो सकता था कि कंट्री का डिस्ट्रिक्ट के साथ और सिटी के साथ भी लेन देन हो सकता है, ठीक है, परंतु जो हिस्सा इसका कंट्री का डिस्ट्रिक्ट या सिटी के साथ भिड़ेगा, यानी कि आएगा, जुड़ेगा, वहां पे स्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट अगर यहां कहीं पे होने लगेगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट का भी है, सिटी का भी है, सिर्फ कंट्री का कहां रह जाएगा। इसलिए स्टेट को आपको दूर रखना पड़ेगा, और ये जरूर एक संभावना बन सकती है कि कंट्री का कुछ ना कुछ हिस्सा डिस्ट्रिक्ट या सिटी में जाके लग जाए, परंतु जो हिस्सा लगेगा वहां पे स्टेट नहीं हो सकता, स्टेट को अलग ही कहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बाध्य, स्टेट बाध्य है, क्योंकि स्टेट सिर्फ कंट्री का हो सकता है और किसी का नहीं। तो ये अपने में ही एक अच्छा क्वेश्चन, तो ये वाली संभावनाएं बनेगी, एक ऊपर वाली संभावना, एक नीचे वाली संभावना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष को पकड़ पकड़ के देखते हैं, पूछते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। ऑल सिटीज कैन बी स्टेट, गलत बात, स्टेट होने का हक सिर्फ और सिर्फ कंट्री के पास है, ये बिल्कुल गलत बात। सम स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल गलत बात, स्टेट देखो बेचारा अकेले कोने में, ये ना डिस्ट्रिक्ट होगा ना सिटी होगा, स्टेट अलग कोने में, ना सिटी होगा ना डिस्ट्रिक्ट होगा। सम स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रिक्ट, गलत बात। ऑल कंट्रीज कैन बी डिस्ट्रिक्ट, ऑल कंट्रीज कैन बी डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत बात है। क्यों बोल रहा हूं, देखिए, अगर कंट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाए, ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए, ये कंट्री है, और यहां पे मान लीजिए सिटीज है, तो ये इसीलिए गलत है क्योंकि कंट्री के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट तो आएगा ही आएगा। अब जब स्टेट के पास छूट है कि वो सिर्फ कंट्री का हो सकता है, और कंट्री पूरी तरीके से खुद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाए, तो ये वाला जो स्टेट है ये तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आने लगेगा ना, तो वो सिर्फ कंट्री का कहां रह गया, वो कंट्री के अलावा डिस्ट्रिक्ट का भी होने लग जाएगा। इसीलिए ये वाला जो कथन, ये वाला जो निष्कर्ष है, ये भी गलत, ठीक है, बहुत बड़ी। नो कंट्री इज सिटी, नो कंट्री इज सिटी, इस बात की आप गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए अगर कंट्री यहां तक बनती है और वो ना डिस्ट्रिक्ट और सिटी में घुस रही है, तब तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई कोई भी कंट्री सिटी नहीं है, तो ये वाली ड्रॉइंग आपको मंजूरी देती है ये कहने की। परंतु नीचे वाली ड्रॉइंग ये जरूर हो सकती है कि कंट्री सिटी के अंदर तक भी आ जाए, हो सकता है तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक ही मिलके चले जाए, और हो सकता है आए ही ना, तो आएगी नहीं तब तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी कंट्री सिटी नहीं है। परंतु अगर कंट्री अंदर बनने लग जाए, सिटी के अंदर घुस जाए, तब हम आप कैसे कहेंगे कि कोई भी कंट्री सिटी नहीं, तो ये वाली ड्रॉइंग मंजूरी नहीं दे रही है। तो एक जन हाँ बोल रहा है, एक जन ना बोल रहा है, यानी कि आप धर्म संकट में फंस चुके हैं, असमंजस है। आप 100% गारंटी लेके ये अब नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी जो सिटी, क्योंकि नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, दोनों ही संभावनाएं। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन हमें गलत लिख लें, यानी कि चारों ही हमें निष्कर्ष गलत दिख रहे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर सी का चयन करेंगे, ठीक है, कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ आप लोग को मजा आ रहा होगा ये टॉपिक, ठीक है। आइए एक लास्ट और क्वेश्चन करते हैं, 5-6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा रखना नहीं पसंद करूंगा मैं भी, है ना, क्योंकि मुझे लगता है फटाफट काम हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा काम है, आप लोग को भी देखने में ऐसा ना लगे कि यार एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो दिखा रहे हो, ठीक है, आधे घंटे का डोज मिल जाए, खाना वाना खाते हुए हेडसेट डाल के देख लिए, इस तरीके में काम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखिए, सम चार्जर्स आर बैटरीज, तीन है, 1, 2, 3 लिखे, ठीक है, सम चार्जर्स आर बैटरीज, तो चार्जर्स ऐसे बन गए और बैटरीज ऐसी बन गई, कुछ चार्जर हैं जो बैटरीज हैं,
कोई दिक्कत नहीं। सम बैटरीज आर मोबाइल्स, अब देखिए ये 2022 का ही क्वेश्चन है, इससे पहले 2021 का किया था, शुरुआत में 2020 के किए थे, फिर 2022 के किए थे, ठीक है। तो सारे ही मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ वेराइटी। तो कुछ चार्जर हैं जो बैटरी है, ठीक है। सम बैटरीज आर मोबाइल्स, तो अब देखिए मोबाइल्स चाहे तो ऐसी भी बन सकती है बैटरीज के साथ में, और चाहे तो ऐसी भी बन सकती है, यानी कि इनके साथ में, ठीक है। चार्जर, बैटरी, और बैटरी के साथ में जब आप मोबाइल को बना रहे हैं तो ऐसी भी बन सकती है, यानी कि मोबाइल का चार्जर के साथ भी कोई लेन देन हो भी सकता है, और चाहे तो मोबाइल का चार्जर के साथ लेन देन नहीं भी हो सकता है, दोनों ही संभावनाएं हैं। ऑल मोबाइल्स आर टेबलेट्स, अगर मोबाइल्स आर टैबलेट्स, ये आप ऐसे भी टैबलेट्स को बना सकते हैं कि मोबाइल पूरी तरीके से टैबलेट के अंदर आएगा, और यहां बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनाएंगे कि मोबाइल जो है पूरी तरीके से टैबलेट के अंदर आएगा, ठीक। अब देखते हैं निष्कर्ष को। सम टैबलेट्स आर बैटरीज, पहली ड्रॉइंग से पूछ के देखिए, फिर दूसरी ड्रॉइंग से पूछ। सम टैबलेट्स आर बैटरीज, बिल्कुल देखिए ये टैबलेट्स का कुछ हिस्सा क्या बैटरी के साथ मिलता है, बिल्कुल है। पहली ड्रॉइंग ने मंजूरी दे दी, दूसरी ड्रॉइंग से पूछिए। सम टैबलेट्स, ये वाला देखिए कुछ हिस्सा टैबलेट का है क्या, ये वाला कुछ हिस्सा टैबलेट का जो बैटरी के साथ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो दोनों ही ने दे दी, दोनों ने मंजूरी दे दी है, 100% आप फिर सीना ठोक के कह सकते हैं कि ये बात सही। ऑल बैटरीज आर मोबाइल्स, नहीं ये गलत हो जाएगा कहना, ठीक है। ऑल बैटरीज आर मोबाइल्स, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि बैटरी का कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है कि मोबाइल के अंदर ना भी आए, चार्जर के साथ लग जाए, है ना, और टैबलेट के साथ ही लगे रहे, ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ भी ना लगे, तो जरूरी नहीं है ये। अगर हमें कहेगा ऑल बैटरीज आर मोबाइल्स तो ये बात गलत है, ऑल बैटरीज आर मोबाइल्स ये बात गलत है, ठीक है। ऑल बैटरीज कैन बी मोबाइल, यानी कि संभावना जरूर हो सकती थी कि सारी बैटरी मोबाइल हो, विनम्र तरीके से बोलता बोलता संभावना है क्या, तो हम बोलते हैं हाँ शायद 100 में से एक संभावना हो, पर ये बोल रहा है कि नहीं, तुम 100% बोलो कि हर हमेशा ऐसा होगा कि सारी बैटरी मोबाइल बनेगी। यहां दिख रहा है कि बैटरी का सिर्फ कुछ हिस्सा मोबाइल में, सारी कैसे बनेगी, हमेशा कहां बनेगी, जरूरी नहीं है, संभावना हो सकती थी। संभावना तो 100 भी है, तो उसमें से एक भी अगर फॉलो होती है तो संभावना है, पर अगर आप गारंटी ले रहे हैं तो 100 में से 100 होना चाहिए। ये तो क्लियर दिख रहा है हमें कि बैटरी का सिर्फ कुछ हिस्सा मोबाइल में, ठीक है। तो आपको संभावना को भी समझना है और 100% गारंटी को भी समझना है। तो दूसरे वाले का तो मैं गलत कहूं, तीसरे वाले को पढ़ो। सम टैबलेट्स आर चार्जर्स, बिल्कुल पहली ड्राइंग अगर आप पूछेंगे तो देखिए टैबलेट्स का हिस्सा सिर्फ यहीं तक रह जा रहा है, वो चार्जर से जाके नहीं मिल रहा, तो ये तो बोल रही है ड्रॉइंग नहीं। पहली ड्रॉइंग को देखोगे तो आप देखो, मैं पेन एक सेकंड बदल देता हूं, कि टैबलेट्स का देखिए कुछ हिस्सा ये वाला चार्जर्स के साथ देखिए मिल रहा है, टैबलेट्स का कुछ हिस्सा चार्जर के साथ मिल रहा है। तो दूसरी ड्रॉइंग बोल रही है कि हाँ कुछ टैबलेट चार्जर हो सकते हैं, है ना, और पहली ड्राइंग बोल रही है ना नहीं हो सकते हैं। तो कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, आप क्या हो गए, धर्म संकट में फंस गए। धर्म संकट में फंस गए मतलब संभावना जरूर है कि कुछ टैबलेट चार्जर हो सकते हैं, पर 100% गारंटी नहीं है कि कुछ टैबलेट चार्जर होंगे ही होंगे, क्योंकि यहां तो नहीं दिख रहे। तो यहां पॉसिबिलिटी लिखी रहती, संभावना लिखा रहता तो हम हाँ बोल दे, परंतु यहां पे वो हमें मानने को बोल रहा है कि होगा ही होगा, तो उसके लिए हम हाँ नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ कंक्लूजन वन, यानी कि निष्कर्ष एक ही सही दिख रहा है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज ऑप्शन नंबर डी। बात स्पष्ट है? तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी काम करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं, देखिए बाकी जितने भी थे क्वेश्चन सब हमने कर लिए हैं, 22 के, 21 के, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, इसको मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो आपको पता है होमवर्क को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद कमेंट करके उसका आंसर लिखना है। और आप बताइएगा अगर आपको इस टॉपिक को इन डेप्थ समझना है, कि हम सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए ना पढ़े परंतु पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो आप कमेंट में लिखिएगा सर वी वांट फुल टॉपिक, है ना, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए बढ़िया, पॉज करके भी ले सकते, और फिर हम अगले गुरुवार को जरूर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया।